तो आज का एक्चुअली बेसिकली ये जो टॉपिक है वो नीट पे चर्चा जो हमने रखा हुआ है, कई लोग को थोड़ा सरप्राइज भी लगता है, कई लोग को ऐसा लग रहा था कि ऑनलाइन कोचिंग रहेगा। सी इट्स नॉट अबाउट द ऑनलाइन कोचिंग ऑफ द नीट। अभी फिलहाल जो सिनारियो चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो स्टूडेंट की अभी प्रॉब्लम चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमने आज ये वेबिनार प्लान आउट किया हुआ है। इन फ्यूचर हर रोज का हम लोग ये प्लान करने वाले हैं और अगर पॉसिबिलिटीज रहेगी तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी कुछ अरेंजमेंट हम लोग करेंगे, तो वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन हर एक चीज को। तो जस्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं पहले अभी आज अपने जो वेबिनार। बेसिकली माई सेल्फ आई एम राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्टामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सोफ्टामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली इंडिया के अंदर एज वेल एज इन यूक्रेन एंड रशिया के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है और यहाँ पे हम लोग जो हमारा मेनली काम है वो एडमिशन के रिगार्डिंग है। इंडिया में भी हम लोग बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं और अब्रॉड के अंदर भी अदर कोर्सेज में भी हमारा ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल रहता है विदाउट एमबीबीएस ऑल्सो। नीट इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, तीन सब्जेक्ट है लेकिन तीन सब्जेक्ट के अंदर कई सारे चैप्टर्स है और उसके अंदर कई सारे सब टॉपिक्स है, वो टीचर भी वो चीजों के बारे में आपसे बात करेंगे। उसके अलावा एडमिशन के रिगार्डिंग जो यहाँ पे दिक्कतें आती है इंडिया में एज वेल एज इन अब्रॉड, तो वहां पे जो जो दिक्कत आती है उसके रिगार्डिंग भी हर एक अलग अलग वेबिनार में अलग अलग बातचीत होगी और व्हाट इज द ऑप्शंस आफ्टर एमबीबीएस आल्सो वो भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आपके जो जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने को ट्राई किया जाएगा। इसके बाद भी जो वेबिनार आएंगे उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा वन बाय वन और कौन से टॉपिक पे होने वाला है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन हम लोग देते रहेंगे। तो जैसे आज हमने ये फर्स्ट वेबिनार प्लान आउट किया है, करीबन आज हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट का जो क्राउड था वो करीबन 300 था और अभी तक फिलहाल मेरे को लग रहा है वहां तक जो ज्वाइन किया है वो करीबन मोर देन 50 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है अभी और बाकी भी और अभी ज्वाइन करेंगे। मे बी इसके अंदर स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं और पेरेंट्स भी हो सकते हैं। कुछ टीचर भी यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं जिनको हम लोग जानते हैं, कई लोग को हम लोग नहीं भी जानते हैं फॉर क्लियर देयर डाउट ओनली। सो जो बात अभी हम लोग करेंगे वो आज फिलहाल जो टॉपिक रहेगा अपना नीट के बारे में ही रहेगा और ट्वेल्थ का जो करिकुलम है उसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट बच्चे को लाना चाहिए उसके रिगार्डिंग रहेगा। सो सबसे पहला तो जो दिक्कत बच्चों को भी आ रहा है द कोविड 19, ये पूरे वर्ल्ड में अभी फेमस हो चुका है चीज। हम लोग जो परेशानी अभी फेस कर रहे हैं और बच्चे भी इवन सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है जो बी ग्रुप के जो स्टूडेंट है उनके लिए, क्योंकि सबसे पहला जो दिक्कत आके खड़ा हो गया है वो है नीट का एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ है और उसका आगे का फ्यूचर क्या है किसी को भी पता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने साथ अभी यहाँ पे जो ज्वाइन है डॉक्टर गोपीनाथ भी है, वो एज ए डॉक्टर है हैदराबाद के अंदर, डॉक्टर प्रशांत मेहता है जो बायोलॉजी के प्रोफेसर है और मिस्टर शिवम है जो कि इंडियन एडमिशन काउंसिलर है। ये तीनों हमको हमारे हर एक क्वेश्चन को आंसर देने में हेल्प करेंगे। तो पहले मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा। डॉक्टर गोपीनाथ आर यू ऑनलाइन? इट्स ओके। सो कोविड 19 की वजह से जो इश्यू आया हुआ है उसके अंदर जो बच्चों को भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है, क्लासेस भी बंद है, स्कूल्स भी बंद है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रॉपरली जो बच्चे आज तक क्या होता था कि 12th का एग्जाम खत्म हो जाता था उसके बाद उनको एक ड्यूरेशन मिल जाता था मार्च के बाद कि अप्रैल और मई का ड्यूरेशन मिलता था, मई के अंदर उनको एग्जाम रहता था, तो अराउंड 40 या 45 डेज का उनको ड्यूरेशन मिल जाता था नीट की प्रिपरेशन के लिए। और जिस चीज से हमको जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी है और आपके पास भी ये कॉमन ही है कि स्टेट बोर्ड का और एनसीईआरटी का दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट डिफरेंट रहता है, दोनों का मेथड अलग रहता है, एग्जामिनिंग मेथड भी नीट का अलग है इसका भी अलग है, तो उसकी वजह से बच्चों को नीट का प्रिपरेशन सेपरेटली करना पड़ता था। कई बार दिक्कत ये भी आती थी कि बच्चा 12th के अंदर कॉन्सेंट्रेशन नहीं करता था और वो नीट के अंदर ही कॉन्सेंट्रेशन करता था, ये केस हमारे साथ बहुत आए हुए हैं और आज भी इस साल भी ये आने वाले हैं, क्योंकि बच्चा क्या करता है नीट को प्रायोरिटी रखता है और जो स्टेट बोर्ड है उसको सेकंड प्राइमरी पर रखता है, तो वहां पे दिक्कत वो हो जाती है बच्चे को कि वो 12th के अंदर जो मार्क्स है वो कम अचीव करता है और नीट के अंदर मार्क्स उसके 300-350 भी आ जाते हैं। कई बार हमने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हुए जिसके नीट के अंदर 400 मार्क्स आ गए लेकिन 12th के अंदर 47 ही आगे पड़े हुए। अभी एज पर एज एनसीए गाइडलाइन जनरल कैटेगरी का अगर स्टूडेंट है तो उसका 12th के अंदर 50% होना जरूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर 50% होना जरूरी है विद द प्रैक्टिकल। और इंडिया के अंदर अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो इंग्लिश भी रिक्वायर्ड हो जाता है। 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर आपके मार्क्स कंप्लीटली होने चाहिए 50% जनरल कैटेगरी के लिए और एससी एसटी ओबीसी के लिए 45% होने चाहिए विद प्रैक्टिकल।
कई लोग क्या करते हैं आपको मिसगाइड करने के लिए और उनको पैसा कमाना होता है, तो वो लोग आपका 45 भी, अगर जनरल कैटेगरी का 45 भी होगा तो बोल देंगे कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे। सी अगर वो फॉरेन कंट्री में एडमिशन करवा रहे हैं वहां पे कोई दिक्कत नहीं आनी है, वहां पे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन दिक्कत जब बच्चा रिटर्न आएगा इंडिया में तो 6 साल के बाद उसको वहां पे परेशानी आने की ज्यादा चांसेस है। ओके सो ये चीज को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए, स्टेट बोर्ड को भी सीरियसली लेना है एज वेल एज नीट को भी सीरियसली लेना जरूरी है। यहाँ पे नीट के अंदर जो कट ऑफ रहता है वो हर साल वेरिएशन रहता है, कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है और स्टूडेंट को भी ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर 134 था तो इस साल भी 134 ही होगा, तो वो चीज गलत है। बेस्ड ऑन द परसेंटाइल नीट का मार्क्स काउंट होता है, तो लास्ट ईयर का परसेंटाइल अलग होता है, इस साल का भी परसेंटाइल अलग होता है। COVID-19 के अंदर सबसे बड़ा जो अभी ध्यान रखने की जरूरत है अपने 12th बोर्ड के स्टूडेंट को, पेरेंट्स को सबको रखना ही रखना है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन स्टूडेंट को हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। उनके लिए टाइम इस बार बहुत कम मिलने वाला है उनको, मे बी शायद गवर्नमेंट 15 तारीख के बाद कुछ सरप्राइज अनाउंसमेंट करके 15-20 दिन के टाइम में भी नीट ले सकती है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये चीज को नीट शायद जल्दी भी हो सकती है तो उस टाइम पे बहुत कम ड्यूरेशन का टाइम मिलेगा, मे बी शायद कट ऑफ जो लास्ट ईयर का था उससे डाउन भी जाने के चांसेस ज्यादा है इस बार, क्योंकि इफेक्ट हुआ है अराउंड द वर्ल्ड हुआ है, हर एक स्टूडेंट को इफेक्ट हुआ है, वैसा नहीं है कि एक को हुआ है दूसरे को नहीं हुआ है, मीन्स हर एक के लिए इफेक्ट जो हो रहा है वो सिमिलर है। तो उसके लिए नीट का जो भी है स्टूडेंट, जो भी बच्चा है, उसको जो ध्यान रखना है COVID-19 के हिसाब से प्रिकॉशन जो लेना है और सेफ्टी लेना है, मेनली जो गवर्नमेंट हर रोज का गाइडलाइन दे रहे हैं उसके हिसाब से भी हम लोग बताएंगे कि जितना होता है छूने से बचे दूसरे लोग को, हाथ हर रोज का धोते रहे, सैनिटाइजर का मैक्सिमम यूज करें, मास्क यूज करें एंड घर पे रहे। अभी बाहर निकलने का तो स्कोप है ही नहीं किसी के पास, तो घर पे रह के भी आपको ऑनलाइन का ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है, मे बी शायद हम लोग भी प्रोवाइड करेंगे, मे बी शायद दूसरी भी कंपनीज प्रोवाइड कर रही है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके और इवन यूट्यूब के चैनल भी आपके लिए बहुत सारे अवेलेबल है, जो यूट्यूब के चैनल पे जाके भी आप कोचिंग फ्री ऑफ चार्ज भी ले सकते हो कुछ कुछ सब्जेक्ट के, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर पे जाके भी और घर पे रह के भी आप प्रिपरेशन तो कर पाओगे, मे बी इट्स 50% जो फिजिकल जो प्रेजेंस रहता है, बच्चा जो सीरियसली क्लास में पढ़ाई करता है वो कभी ऑनलाइन नहीं करता है, पेरेंट्स मोबाइल बच्चे के हाथ में दे देगा लेकिन बच्चे का सीरियसनेस नहीं रहेगा तो वो नहीं पढ़ने वाला है। इट्स डिपेंड ऑन द, बात हो रही है COVID-19 का इफेक्ट क्या हुआ है नीट के ऊपर। हम सबको पता है कि नीट पोस्टपोन हो चुका है, जो 27 को ऑल टिकट मिलना था वो कैंसिल हुआ है, और जो नीट का जो गाइडलाइन दिया हुआ है अगर आप देखेंगे, ये लिंक है नीट का जो नीट पोस्टपोन हुआ है उसका, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ये nta.ac.in जो वेबसाइट है गवर्नमेंट का है, नीट एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 27 तारीख को जो हॉल टिकट मिलना था वो कैंसिल किया गया है, 3 तारीख का नीट पोस्टपोन किया गया है और 15 अप्रैल के बाद आपको नया डेट डिक्लेयर किया जाएगा। तो nta.ac.in ये वेबसाइट पे जाके खुद को अपडेट रखा कीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे ही आपको हर रोज की इन्फॉर्मेशन आएगी। मार्केट के अंदर रूमर बहुत होते हैं, सब लोग रूमर बहुत फैलाते हैं, किसी भी अफवाह पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको मेनली जो है गवर्नमेंट की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उसको ही फॉलो करना है, दूसरी कोई प्राइमरी वेबसाइट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। गूगल के अंदर अगर आप सर्च करेंगे तो कई बार ऐसा भी होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट तीसरे चौथे नंबर पे दिखेगी, आगे कुछ और कंपनी की एड चल रही होती है वो वेबसाइट आपको नजर आएगी, तो आप वहां पे जाके क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको आप सही मान लेंगे, लेकिन वो गलत होता है। ओके तो नीट का जो एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है उसका जो गवर्नमेंट का ऑथेंटिक लिंक है, और इवन कोई भी चीज आप चेक कर रहे हो, इवन आप इंडिया के लिए चेक कर रहे हो, अब्रॉड के लिए कोई भी कंट्री चेक कर रहे हो, गवर्नमेंट के ऑथेंटिक जो वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रस्ट करें, ना कि कोई दूसरा जो आपको दिखा रहा है उस पर ट्रस्ट करें। कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा होगा तो वो अपना चीज अच्छा करके आपको रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके लिए उसके ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद से आपको पता करना जरूरी है। उसके बाद अगर नीट के बाद बात करें तो बोर्ड एग्जाम्स भी पोस्टपोन हो चुके हैं, CBSE के भी कुछ पेपर अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं, तो वो सब चीजें बाकी है, तो मे बी शायद नीट के अंदर जो हमारा एजम्पशन चल रहा है वो मई एंड या जून सेकंड वर्क वीक तक एग्जाम हो पाएगा, उससे पहले चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड डेट कौन सा रहेगा नीट का, जैसे हमने आपको बताया कि मई एंड वीक में या तो फिर जून के सेकंड वीक तक,
नीट का एग्जाम लेने के चांसेस है। जून से पहले पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर बारिश का माहौल शुरू हो जाता है जून के बाद, और कहीं पे ज्यादा बारिश हो गई कहीं पे कम हो गई कोई बोल नहीं सकता है, और उस टाइम पे जो स्टेट इफेक्टेड होगा वहां पे उन बच्चों को परेशानी आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो नीट को कभी भी ये लोग ऐसा ट्राई नहीं करेंगे कि इतना ज्यादा डिले करेंगे। मिस चांसेस ज्यादा है मई एंड तक हो जाना चाहिए, और मे बी शायद जून फर्स्ट और सेकेंड वीक तक। अभी नीट का जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी रहेगा आपका लॉकडाउन के दरमियान, जैसे हमने आपको बताया कि ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल रहता है, यूट्यूब के वीडियो भी अवेलेबल रहते हैं, इवन बुक्स कौन कौन सी फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए वो भी हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। अभी जैसे डॉक्टर साहब को आप लोग अनम्यूट करेंगे यहाँ पे, तो डॉक्टर प्रशांत मेहता है, वो आपको आगे जो चीजें वो एक्सप्लेन करेंगे। वो बायोलॉजी प्रोफेसर है, आज के दिन आपको बायोलॉजी की बात करेंगे, कल मे भी शायद हम लोग केमिस्ट्री के टीचर को लेके आएंगे, उसके बाद फिजिक्स के टीचर को भी लेके आएंगे। तो अभी डॉक्टर प्रशांत मेहता है अपने साथ, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन अपने को देंगे रिगार्डिंग नीट एंड ऑल। डॉक्टर प्रशांत मेहता, नीट के जो प्रोग्राम चल रहे थे उसके लिए मैंने आपके साथ ये कॉन्टेक्ट किया आज, और हमारी ड्यूटी है कि हमें आप सब बताना है कि कैसे नीट में प्रिपेयर करते हैं, और साथ साथ कितना मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहला हमारा ध्येय होना चाहिए। सर ने बहुत अच्छा बोला कि पहले स्टेट बोर्ड का 50 या 45, जनरल कैटेगरी के लिए 50 मार्क कम से कम होने चाहिए, वो एलिजिबिलिटी होती है। फिर जो एग्जाम नीट की होती है वो एंट्रेंस टेस्ट होती है, ये डिस्टिंग्विश कर दिया, आपको मिनिमम 50% तो लाने ही है। डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्क का होता है नीट में वो दो तरह से होता है, उसके दो पार्ट है, एक बॉटनी का पार्ट होता है, एक जूलॉजी का पार्ट होता है, ठीक है। 180 मार्क की जो नीट एग्जाम है 3 घंटों के लिए ली जाती है, उसमें से 90 मार्क बायोलॉजी के होते हैं, उसके दो पार्ट बॉटनी और जूलॉजी, जिसके मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन 11th और 12th में कैसे होता है वो आप दूसरी स्लाइड में। ओके सर, नाउ इट्स परफेक्ट। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर लेना सर सब स्लाइड। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चों को थोड़ा ऐसा तो होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है तो नहीं समझ पाएंगे बच्चे हैं भी। ओके ओके, तो बॉटनी 11th स्टैंडर्ड और बॉटनी 12th स्टैंडर्ड, वो बॉटनी की बात पहले कर लेते हैं क्योंकि दिक्कत ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसी में आती है। सी के 28 और 22 मार्क 11th और 12th के लगते हैं क्वेश्चंस के, और मार्क होते हैं 112 एंड 88। कुल मिला के क्वेश्चन कितने होते हैं तो 50, और मार्क कितने होते हैं 200। तो ये बात हुई बॉटनी की, वो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर तो बात नहीं करेंगे, वो बहुत सीधी सादी बात है, लेकिन समझने के लिए ये जरूरी है। अच्छा, 11th में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो नीचे लिखे हैं वो अभी आप मत देखिएगा, पहले बॉटनी की ही बात करेंगे, फिर 11th जूलॉजी और 12th जूलॉजी की बात करते हैं। तो 25 एंड 15 क्वेश्चन, 11th के 25, 12th के 15, मार्क कितने रहेंगे 11th के जूलॉजी के 100 मार्क और 12th जूलॉजी के 15 क्वेश्चन के 60 मार्क। कुल मिला के क्वेश्चन कितने हो गए 25 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 40, और मार्क कितने हो गए 100 और 60 मिला के 160। ओके ओके, तो 200 एंड 160 कुल मिला के मार्क्स कितने हो गए, ग्रैंड टोटल 360 मार्क्स फॉर बायोलॉजी। ओके, लाइक दैट द रिजल्ट इज बीइंग क्रिएटेड, बट एवरी टाइम आई हैव सीन सिंस लास्ट 19 इयर्स that in this NEET and open exams, at that time it was not NEET, it was PMT, JIPMER and COMET K and like that and like that. Even at that time, the variation hota tha 5 ya 8 mark ka. Toh is 8 laga ke mein yahan likha hai, ke marks of 11th, number of question kitne hota hai? 53 in total, 11th ke. और मार्क होते टोटल 212, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के बारे में मैंने लिखा है कि प्लस और माइनस 8 तो होंगे ही, तय नहीं कर सकते, ये 45 45 45 45
क्वेश्चन होने चाहिए वो होते नहीं है। 11th के 45, 12th के 45 ऐसा क्या कहते हैं उसको, एक आदर्श परिस्थिति होती है, लेकिन हो ही नहीं सकता। वो इम्बेलेंस ब्लूप्रिंट के लिए भी होता है, दूसरी वजह से भी होता है। मार्क्स 12th के कितने होते हैं, क्वेश्चन नंबर कितने होते हैं, 22 प्लस 15 दैट इज 37, और मार्क होते हैं 88 प्लस 60 दैट मेक्स 148। लेकिन इधर भी क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएंगे, 5 या 8 मार्क मान लीजिए। तो 45-45 क्वेश्चन के जो पार्ट दो होने चाहिए वो नहीं हो सकते हैं, इसी वजह से ये सब मैंने आपको चार्ट में लेके दिया है। राहुल सर आपको भेज देंगे व्हाट्सएप या वॉट एवर द वे ही वांट्स टू। नाउ चैप्टर वाइज जाते हैं कि चैप्टर वाइज बॉटनी में क्या क्या आता है, तो नीचे से शुरू करते हैं कि 24 क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 11th एंड 29 फ्रॉम क्लास 12th ऐसा लिखा है। मैंने जैसे बताया कि उसमें भी थोड़ी बहुत इधर उधर हो ही जाती है, तो ये दिक्कत की कोई बात नहीं होती। वहां थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन होते हैं, दो चैप्टर के साथ साथ होते हैं, तो पता नहीं लगता कि किस चैप्टर में से ये आया है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर 3 मार्क, सेल स्ट्रक्चर 4 मार्क, डायवर्सिटी इन लाइफ 7 मार्क, इकोलॉजी 9 मार्क, जेनेटिक्स 12 मार्क, प्लांट फिजियोलॉजी 6 मार्क, रिप्रोडक्शन 5 मार्क, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स 7 मार्क। ये लगा के बॉटनी का स्ट्रक्चर जो है वो आपको मैं दिखा रहा था कि वो हर एक मार्क वाइज है, तो आपको ये स्लाइड भी मिल जाएगी। जूलॉजी का भी देख लेते हैं कि एनिमल किंगडम जो बहुत पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ने के लिए बहुत पढ़ने लगते हैं उसके, लेकिन मार्क इसका 4 है। एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोटेक्नोलॉजी है, तो मैं अपना स्लाइड घुमा लेता हूं, उसके 6 मार्क से। इवोल्यूशन के 1 ही मार्क है लेकिन पढ़ने बहुत ज्यादा है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, इस बार इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, एवरीवेयर डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर वेरी मच रिक्वायर्ड, सभी जगह पे इनकी जरूरत होगी। तो 2 मार्क रखे, लेकिन मेरा मानना यह है कि 3 या 4 मार्क का हो जाएगा, और ह्यूमन फिजियोलॉजी 15 के बजाय 16 या 17 मार्क का हो जाएगा। अच्छा, इसका कारण पहली चीज कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो भी हमें साथ साथ पढ़नी होगी, तो उसके लगते हैं 5 मार्क यहाँ लिखा है, लेकिन 5 से 7 हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जब बढ़ेंगे तो दूसरे में कम हो जाएंगे, आप समझ रहे हैं, बैलेंस करना है। तो बायोमोलेक्यूल्स 2 मार्क लिखे हैं, हो गए या 1 या 3, 2 नहीं होंगे एक्सेक्ट। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ऐसा क्या, ऐसा ही रहेगा, उसमें ज्यादा कटौती होने का चांसेस नहीं है। और इसके साथ मेरा तो स्लाइड का काम खत्म हो गया, कि जो भी था प्रिपेयर था वो मैंने आपको दे दिया। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, उसके अलावा एक इंफॉर्मेशन वो लेनी थी, बच्चों को अगर ये नीट का प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, जी जी, तो नीट के अंदर दूसरी कौन सी उनको ध्यान रखने वाली चीज है, कि जहां से उनका मींस कौन सी चीज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखना चाहिए नीट के अंदर अच्छे मार्क्स लाने उसके लिए, वो एडवाइस क्या रहेगी आपकी ओर से? पहले तो खुद की पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ओके, और पर पेज जो भी वर्ड समझ में ना आए उसकी नोट फौरन बनानी चाहिए, वो पहले क्वेश्चन से नोट करते जाए और बाद में उसका मतलब समझे, वो सबसे बड़ी चीज होती है, खुद को सिखाना वो पहली चीज है। दूसरी चीज है, जो भी समझ में ना आए या स्कूल के टीचर को पूछ लीजिए, और या कोई ऑनलाइन आप वीडियो देख के पता लगा सकते हैं, और गूगल तो है ही, तो गूगल से भी पता लगा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इसीलिए दिक्कत नहीं होती क्योंकि उनको इंग्लिश अच्छी है, और गूगल पे हम काम कर रहे हैं, अभी गुजराती भी आ जाएगी, हिंदी भी आ जाएगी, हिंदी तो वैसे आ चुकी है, गुजराती भी आ जाएगी पूरी की पूरी। तो ये दिक्कत लैंग्वेज की ज्यादा है, बच्चे वो समझने के लिए वीडियो देखते हैं, एनिमेशंस देखते हैं, तो अच्छा रहता है जो भी चीज नहीं समझ में आती। और तीसरी चीज है रेगुलरिटी, बाकी तो जनरल नॉलेज है कि इंटरेस्ट बेस है, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कोई
ऐसी एग्जाम तो है ही नहीं कि स्कूल में अच्छे मार्क आ गए और आगे निकल लिए, नीट में एक ट्राई से ही मिल जाएगा ऐसा मानना भी मुमकिन नहीं है, वो मेरे ख्याल से है। ओके, एंड आल्सो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट आल्सो रिक्वायर्ड, बिकॉज़ इस बार टाइम भी उनको बहुत कम मिलने वाला है नीट के प्रिपरेशन के लिए, ये जैसे इस साल तो टाइम है ही नहीं सर। हाँ, अभी जो मिला है उसी को टाइम मान के सुबह से शुरुआत करनी चाहिए, सुबह 7:30 बजे जैसे स्कूल जाते थे वैसे ही सुबह का टाइम। वो टाइम मैनेजमेंट का स्लाइड भी आपको शेयर कर दूंगा कि कोई भी ऑनलाइन काम करने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ तो जैसे मेरा दोपहर का स्कूल चल रहा है ओके, वैसे ही जैसे मैं नॉर्मल लाइफ रहता हूँ वो ऑनलाइन वर्किंग मॉड्यूल होता है, ऑनलाइन वर्किंग में जैसे आप रोज करते वैसे ही करें। हाँ, करके बाहर जाके नहीं, अंदर कर बैठ के कर रहे हैं अपनी सुविधा में, बाकी सब एक सा ही है। So it's good advice, sir. Thank you, sir. Okay. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Okay. So ये प्रशांत सर थे हमारे साथ, बायोलॉजी का भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। दूसरी जो चीज आती है, एक चीज क्या रहती है कि पढ़ाई के अंदर बच्चा जब एक बार एंटर हो जाता है उसके दिन ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा दिन पढ़ाई में बैठा रहे, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक ले करे, मेडिटेशन का यूज करे, थोड़े दिन खुद को एक बार खुद को सेल्फ चेक करे कि वो कौन से लेवल पे पहुंचा हुआ है। विदाउट सेल्फ टेस्टिंग उसको जो उसके लूपहोल से वो पता नहीं चलेगा, जहां तक बच्चे को वहां तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। होगा क्या, 15 चैप्टर है, मैंने 15 दिन में 15 चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन 15 में कहां पे मेरा माइनस पॉइंट था, कहां पे प्लस था, मेरे को पता ही नहीं है। तो सेल्फ टेस्टिंग ऑल्सो रिक्वायर्ड। थोड़ा बहुत घर के अंदर ही देखो, खेलने कूदने को मैं नहीं बोलूंगा कि बाहर जाके क्रिकेट खेलो आप, लेकिन थोड़ा एंटरटेनमेंट आपका जो भी लगता है, चेस खेल सकते हो, कैरम बोर्ड खेल सकते हो, टीवी देख सकते हो, आधा घंटा एक घंटा वहां पे भी स्पेंड कर लो। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आप सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बढ़ा पाएंगे, आपको खुद के ऊपर एक जो मोटिवेट होने का जो जरूरत है सेल्फ मोटिवेशन, वहां से भी आपको प्राप्त होगा कौन से सब्जेक्ट में कहां पे क्या माइनस पॉइंट है, आप खुद से वो इम्प्रोवाइज कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब चैनल और विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। फिजिकल तो अभी मीडिया भूल ही जाओ कि आपके लिए अवेलेबल होगा, इवन आज की डेट में ये सिनेरियो कि आपको बुक्स भी मिलना मुश्किल है, आप कहीं पे जाके बुक्स भी नहीं ले सकते हो आप, तो वो चीज आपके लिए अभी डिफिकल्ट है। तो उसके लिए जो भी है मेडिटेशन किया कीजिए हर रोज का, दिन में 2 बार एटलीस्ट 15-15 मिनट आप खुद के लिए स्पेंड करें। अभी हम लोग जो बात करेंगे चेंजेस इन द इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम, ये टॉपिक काफी इंटरेस्टेड रहेगा आपके लिए, जो बच्चे नए हैं जिनको मेडिकल का जानकारी नहीं है आज की डेट में, तो वो बच्चों के लिए ये बहुत काफी अच्छी चीज रहेगी। क्यों, हम लोग मेडिकल एजुकेशन सिस्टम की जब बात करते हैं, इंडिया के अंदर सिस्टम क्या वो पहला समझना जरूरी है। अब्रॉड की बात सबको हम आके समझाने को शुरू कर देंगे, लेकिन आपको खुद को पता नहीं है कि आपके इंडिया के अंदर सिस्टम क्या है। तो सबसे पहली तो आपको खुद को जानकारी होनी जरूरी है कि इंडिया के अंदर मेडिकल का एजुकेशन सिस्टम क्या था और अभी क्या हो चुका है। तो हम लोग पहले जो बात करेंगे 2019 से पहले की, 2019 से काफी सारे बदलाव आए हुए हैं और 2020 में तो उसमें भी और इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो 2020 का जो बी ग्रुप के स्टूडेंट थे उसको 2029 से पहले क्या सीनरियो था वो अभी हम लोग पहले एक्सप्लेन करेंगे। पहले क्या होता था, 12th का स्टूडेंट एग्जाम देता था बी ग्रुप वाला, कुछ बच्चे क्वालिफाइड हो जाते थे, करीबन 15 लाख बच्चे सपोज एग्जाम देते थे तो 50% बच्चे क्वालिफाइड हो जाते थे, 50% नॉन क्वालिफाइड रहते थे। जो बच्चे क्वालिफाइड हो जाते थे नीट के अंदर, वो नीट के क्वालिफाइड स्टूडेंट या तो इंडिया में एडमिशन ले लेते थे या तो फिर अब्रॉड के अंदर एडमिशन ले लेते थे, और नॉन क्वालिफाइड जाते थे, मेजोरिटी स्टूडेंट जिनको एमबीबीएस करना है वो अब्रॉड में जाते थे। ये डिफरेंशिएट आप ये चीज को भी कर सकते हो, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अब्रॉड का एमसीआई का एफएमजी का रिजल्ट बहुत डाउन है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि फिल्ट्रेशन नहीं था पहले, ये जो फिल्ट्रेशन यहाँ पे हुआ है ये फिल्ट्रेशन पहले नहीं था। मीन्स यहाँ पे 12th के अंदर 40% है बच्चे का और नीट के अंदर क्वालिफाइड नहीं है, तो वो बच्चा चल गया यहाँ से अब्रॉड, हवाई जहाज में बैठ गया, मीन्स वो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर वहां से तो बन के आ जाते थे लेकिन इंडिया में आके एफएमजी क्रैक नहीं कर पा रहे थे, तो ये जो फिल्ट्रेशन था वो पहले नहीं था 2019 से पहले। इंडिया का बच्चा क्या कर रहा था, एमबीबीएस कर लिया,
एमबीबीएस करने के बाद इंडिया का बच्चा सीधा इंटर्नशिप करता था, अब्रॉड का बच्चा क्या कर रहा था, एफएमजी का एग्जाम दे रहा था, एफएमजी क्लियर करने के बाद वो इंटर्नशिप करता था, उसके बाद कॉमन पाथ हो जाता था सबके लिए कि नीट पीजी दिया, उसके बाद पीजी कंप्लीट हुआ, उसके बाद नीट एसएस दिया, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर बन गया, सर्जन बन गया। ये जो पाथ था वो 2019 के पहले का था। अगर ये चार्ट आपको जरूरत होगा हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, आप सिर्फ हमको व्हाट्सएप नंबर आपको जो दिया गया है 7277 वाला उसके ऊपर मैसेज करेंगे, आपको ये चार्ट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। 2019 के बाद क्या हो गया सिनेरियो, बी ग्रुप का स्टूडेंट है, क्वालिफाइड हो गया नीट में या नॉन क्वालिफाइड हो गया, एडमिशन इन इंडिया, ये यहाँ पे थोड़ा गलती है हमारा एक, नॉन क्वालिफाइड को अब्रॉड के अंदर अलाउ नहीं किया जाता है, अब क्वालिफाइड बच्चा या तो इंडिया जाएगा या तो अब्रॉड जाएगा, ये सिनेरियो हो चुका है। ये जो यहाँ पे गलती हुई है यह गलती को हमको क्लियर करना पड़ेगा, तो सॉरी फॉर दैट, ये यहाँ पे ये मिस्टेक है हमारा। अगर बच्चा नीट क्वालिफाइड होता है कि नॉन क्वालिफाइड होता है उसके मार्क्स के बेस पे वो डिसीजन लेता है, जिसको मेडिकल बनना है वो इंडिया के अंदर या अब्रॉड के अंदर कहीं पे भी एडमिशन लेने ही वाला है। तो जो बच्चा क्वालिफाइड होता है वो एडमिशन लेता है इंडिया के अंदर, नॉन क्वालिफाइड को अब्रॉड के अंदर भी अब चांस नहीं है, उसके लिए दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है जो हम लोग बाद में आपको दूसरे वेबिनार में गाइड करेंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे तो क्लियर एमबीबीएस दोनों कर लेते थे, एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद अभी जो एग्जाम आएगा जो एफएमजी था उसकी जगह पे वो आ जाएगा नीट एसएस। ये नीट एसएस का एग्जाम बच्चे को देना पड़ेगा, ये नीट एग्जिट का एग्जाम, नीट एग्जिट का एग्जाम देने के बाद उसके बाद क्या होगा। हेलो प्लीज म्यूट योर माइक। हेलो समवन, हेलो तो नीट एग्जिट एग्जाम जो वन आता था, नीट एग्जिट एग्जाम के दो पहलू है, नीट एग्जिट वन उसके बाद इंटर्नशिप किया जाएगा, उसके बाद नीट एग्जिट टू लिया जाएगा, और नीट एग्जिट टू जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम रहेगी। नीट एग्जिट टू कंडक्ट कौन करेगा, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी या वो इंस्टीट्यूट या फिर थर्ड पार्टी को भी वो लोग अलाउ करेंगे गवर्नमेंट को, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन नीट एग्जिट की प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगी जो कि आपकी इंडिया के अंदर कोई भी दूसरे हॉस्पिटल में भी होने के चांसेस है, वो सबके लिए कॉमन रहेगी। आप इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हो कि अब्रॉड से कर रहे हो, नीट एग्जिट टू के बाद सिनेरियो सेम ही रहेगा, पीजी कंप्लीट हो जाएगा आपका, नीट एसएस मिलेगा, उसके बाद नीट एसएस का एग्जाम देने के बाद आपका सर्जन डॉक्टर बनने का जो सपना है वहां पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि नीट एग्जिट वन देने के बाद अगर किसी बच्चे को पीजी नहीं करना है तो एमबीबीएस का लाइसेंस लेके इंटर्नशिप करके वो प्रैक्टिस शुरू कर सकता है बेस्ड ऑन द एमबीबीएस डिग्री। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल चेंजेस है अपने इंडियन मेडिसिन के अंदर। क्यों, इंडिया के अंदर आज तक कोई भी लाइसेंस एग्जाम नहीं थी लाइक यूएसएमएलई और यूके प्लैब और दूसरे कंट्री के जैसी। इंडिया के अंदर क्या हो रहा था, 50% यूनिवर्सिटीज प्राइवेट है, 50% गवर्नमेंट है, तो जो प्राइवेट में जिसके पास पैसा है उसने एडमिशन ले लिया, वो जैसा वैसा डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनने के बाद बाहर निकला और प्रैक्टिस शुरू कर दिया, तो वहां पे इंडियन डॉक्टर का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा था। तो उसके लिए नीट एग्जिट कंपलसरी हो गई है, अब 2022 से इसको इंप्लीमेंट किया जाने वाला है। अभी इसके बाद अगर जो बात करेंगे हम लोग नीट के एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसकी, तो उसके लिए जो जानकारी है आई थिंक मिस्टर शिवम आपको प्रॉपरली दे पाएंगे। शिवम जी आप ऑनलाइन है? हेलो। यस शिवम सर जी, आवाज आ रही है सर? यस सर। सो जस्ट ये स्लाइड है उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। ओके प्लीज सर। देखिए सर, जो काउंसलिंग होता है वो दो लेवल्स पे होता है, एक आपका ऑल इंडिया लेवल पे होता है और एक स्टेट लेवल पे होता है। जो ऑल इंडिया का जो लेवल होता है उस पे जो कट ऑफ जाता है, जो लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था वो इट वाज 582 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। ओके। और ओबीसी के लिए भी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए भी अप्रोक्सीमेटली 582 मार्क्स था, तो जनरल एंड ओबीसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और वही अगर हम लोग स्टेट कैटेगरी पे, अगर स्टेट काउंसलिंग पे आते हैं तो स्टेट काउंसलिंग का जो है वो हर एक स्टेट पे अलग अलग जो है वो कट ऑफ होता है।
तो इट वेरीज बिटवीन 550 to 560 फॉर द जनरल कैटेगरी. ये हम लोग जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहे हैं. okay. इसमें हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन द रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट कि कौन सा स्टेट जो है वो कितने परसेंट रिजर्वेशन कौन से कैटेगरी को देता है, उसके बेसिस पे हो सकता है कि कुछ मार्क्स जो है वो कम ज्यादा हो सकता है. रिजर्वेशन पॉलिसी पे डिपेंड करता है. तो अगर बच्चा जनरल कैटेगरी का है तो अप्रोक्सीमेटली आप जो है वो लास्ट ईयर का कट ऑफ था 582 सेंट्रल काउंसलिंग के लिए, और अगर स्टेट काउंसलिंग पे जाता है तो अप्रोक्सीमेटली 560 पकड़ लीजिए. इस बार हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा चेंजेस आएगा तो कट ऑफ हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो, तो 5 to 10 मार्क्स के आसपास हो सकता है कि कम हो. तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और एससी कैटेगरी का अप्रोक्सीमेटली 450 to 460 होता है, और एसटी का भी अप्रोक्सीमेटली 440-450 के अप्रोक्सीमेटली होता है. ओके एंड सर कॉलेज अकॉर्डिंग जो है कितना रहेगा अपना इस बार अप्रोक्स एमबीबीएस के लिए और दूसरे कोर्सेज? टोटल सीट्स जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इंडिया में 79,000 सीट्स है. okay. जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 42,000 जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के सीट्स है, और प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी मिला के अप्रोक्सीमेटली 38,000 की अप्रोक्सीमेटली सीट है. तो इसमें जो गवर्नमेंट है उसमें वो सारा एम्स एंड सब कुछ मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 42,000 सीट्स होता है. ओके सो 42,000 स्टूडेंट है. अभी 15 लाख जितने आई थिंक स्टूडेंट 15 या 16 लाख जो 15,90,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो कम्पीट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 80,000 सीट्स के लिए. 80,000 इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट. Yes. और अगर सोली गवर्नमेंट को देखना है तो 15 लाख स्टूडेंट्स विल कम्पीट फॉर 42,000 सीट्स. ओके और इसमें जो फीस वगैरह जो होता है, फीस का भी जो है हम लोग देख लेते हैं. फीस जो है वो तीन तरीके के कॉलेजेस होते हैं. एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, एक प्राइवेट कॉलेज हो गया, तीसरा जो कैटेगरी हो गया वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का कैटेगरी हो गया. तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसका जो ओनरशिप है वो आपका प्योरली गवर्नमेंट देखती है. उसका अंडरटेकिंग जितना भी है वो गवर्नमेंट का है. तो उसका स्टेट टू स्टेट जो है वो अलग अलग फीस होता है. कहीं पे 5,000 फीस होता है पर ईयर, कहीं पे जो है वो 10,000 होता है, कहीं पे 50,000 या 60,000, इतना ही होता है मैक्सिमम. इतना ही सीट्स होता है, फीस होता है पर ईयर गवर्नमेंट का. और अगर प्राइवेट का देखते हैं तो प्राइवेट क्या होता है कि उसका जो ओनरशिप है वो प्राइवेट होता है, लेकिन क्या होता है कि इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. जैसे कि आपके गवर्नमेंट का मतलब अगर सपोज कर्नाटका का लेते हैं तो उसको उसका जो ओनरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट रहेगा, लेकिन जो भी इट विल बी कंट्रोल्ड बाय द जो वहां की हेल्थ डिपार्टमेंट है. एग्जामिनेशन से लेकर फीस से लेकर सब कुछ जो है वो प्राइवेट डिसाइड करती है. जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक एक चीज जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी खुद जो है वो डिसाइड करती है. लाइक उसका फीस, उसका सिलेबस, उसका एग्जामिनेशन, सब कुछ जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का डीम्ड यूनिवर्सिटी कंट्रोल करती है. लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट वाले जो है वो इट इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट की जो हेल्थ यूनिवर्सिटी होती है वो करती है. तो गवर्नमेंट का हम लोग देख लिए कि फीस जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली मतलब कि 60,000 के बिलो होता है. और अगर प्राइवेट देखते हैं तो प्राइवेट जो है वो सारे स्टेट्स पे जो है वो अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है. कहीं पर 8 लाख पर ईयर होता है, कहीं पर 10 लाख होता है, कहीं पर 12 लाख होता है, कहीं पर 15 लाख होता है. तो ये प्राइवेट कॉलेजेस का होता है. विच इज अंडर द स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है. और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का फीस जो है वो कंपैरेटिवली बहुत हायर होता है. इट स्टार्ट फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 10 या 11 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, और इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो अप्रोक्सीमेटली 25-30 लाख पर ईयर भी हो सकता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का. ओके अभी सर तीर्थ शाह करके एक पर्सन है, उनका अभी क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स इंक्रीज बाय एम्स एज अ मर्ज इन नीट एग्जामिनेशन? क्या सर? हाउ मेनी सीट्स इंक्रीज्ड बाय एम्स एज अ मर्ज इन नीट एग्जामिनेशन? एम्स का सर सीट्स तो उतना ही रहेगा सर, अप्रोक्सीमेटली 1300 या 1400 सीट्स है. इतना ही सीट्स रहेगा सर, 1500 सीट्स आई गेस. ओके एम्स का इतना ही सीट है. तो एम्स का देखिए इसमें कुछ अलग से नहीं होगा. इस बार क्या होगा कि काउंसलिंग जो है वो साथ में होगा. जो बच्चों का जो सबसे ज्यादा टॉप रैंक रहेगा वो उनके लिए जो है वो एम्स का सीट्स रहेगा. ओके तो एम्स का हम लोग अलग से एग्जाम नहीं होने वाला है.
अलग से नहीं होगा। एम्स और जिपमर पहले क्या होता था कि लास्ट ईयर तक अलग से एग्जामिनेशन होता था, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं कि इस बार जो है वो सारा का सारा एग्जामिनेशन जो है वो एक साथ में होगा, लेकिन इसका क्या होगा कि काउंसलिंग अलग से होगा। जैसे पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होता था उसमें एक सेपरेट कॉलम हमारा आ जाएगा, जो आपका जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो काउंसलिंग होता था उसके लिए, जैसे अभी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का होता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का होता था, BHU का होता था। ओके, तो इसमें अब ऐड हो जाएगा एम्स और जिपमर भी। ओके, तो मेरा सर दूसरा एक सवाल था, AFMC पुणे का जो है वो उसके लिए अलग से एक अप्लाई करना पड़ता है, इसके अलावा और कहीं पे भी आपको अलग से अप्लाई नहीं करना है। आपका सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड आपको जहां जिस भी स्टेट का काउंसलिंग करना है उस स्टेट का जो है वो काउंसलिंग करना होता है। बाकी जो है वो आपको ना तो अलग से डीम्ड यूनिवर्सिटी का, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको उस स्टेट का जो है वो काउंसलिंग करना होगा, या फिर आप अगर किसी अदर स्टेट में इंटरेस्टेड है और वहां पर अगर आप एलिजिबल है तो आप वहां पर काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई कर लीजिए। दैट्स ऑल। और किसी का कोई डाउट है सर? किसी कोई स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, यस हाँ सर, मैं राहुल सुतार बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। और मेरा क्वेश्चन है कि हम वो नेट का सिलेबस होता है वो किस तरीके से हम तब कंप्लीट कर सकते हैं? देखो नीट का सिलेबस, एक बात मेरा मतलब है कि टाइम टेबल कैसा बनाना चाहिए। वो टाइम टेबल का जैसे डॉक्टर प्रशांत जी ने बोला था, प्रशांत सर अभी ऑनलाइन है, वो एक टाइम टेबल आपको फॉर्मेट दे देंगे, हम लोग आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे सबको। नंबर हमारा जो है 7227 वाला कॉमन नंबर है, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप हाई करके कर देना, आपको वो टाइम मैनेजमेंट का जो प्लेटफॉर्म है प्रोवाइड करेंगे हम लोग। एक्चुअली होता क्या है, आपके पास सब्जेक्ट तीन पड़े हुए, तीन सब्जेक्ट में पहले तो उसका मार्किंग सिस्टम समझिए, आप कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है उसको प्रेफरेंस ज्यादा दीजिए इंस्टेड ऑफ द लोअर मार्किंग सब्जेक्ट। जैसे सर ने बोला कि जूलॉजी के अंदर कुछ चैप्टर ऐसे है कि जिसके पत्ते आपको ज्यादा पढ़ने पड़ रहे हैं लेकिन वहां पे एक ही मार्क्स मिल रहा है, तो वो सब्जेक्ट को आपको यूज करना ही नहीं है, उसको साइड पे रख दीजिए, सिर्फ पढ़ने के लिए एक बार पढ़ के रख लीजिए, मे बी शायद वो एक मार्क्स भी आपको वहां पे अचीव हो जाए। लेकिन जिसमें ज्यादा मार्किंग है उसको प्रायोरिटी दीजिए इंस्टेड ऑफ द लोअर मार्किंग पार्ट। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, स्मार्ट मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है आपका, कि आपको खुद को कैसे मैनेज करना है, कौन से सब्जेक्ट का क्या वैल्यू है वो आपको समझना है, और उसको समझने के बाद उसको आपको फॉलो करना है। पहले तो सब्जेक्ट के चैप्टर को डिवाइड कीजिए और उसके सब टॉपिक को डिवाइड कीजिए और उसके मार्किंग सिस्टम समझ लीजिए, और उसमें जिसका मार्किंग ज्यादा है उसको वेटेज ज्यादा दीजिए आपका। ओके 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 सर, थैंक यू। ओके हेलो, यस टेल मी, हेलो, यस यस बोलिए मैम। सर कैन यू हियर मी? यस यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। हेलो, यस मैम बताइए। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हर स्टेट का एक कोटा होता है अपने डोमिसाइल के हिसाब से, तो क्या वो एम्स के लिए भी एप्लीकेबल है या एम्स टॉप रैंकिंग वालों के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है? स्टेट कोटा डिफरेंट, एम्स ऑफ डिफरेंट स्टेट। शिवम सर, एम्स के लिए जो है वो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी, दैट्स ऑल। ओके, स्टेट वाइज उसमें कुछ नहीं होता? उसमें स्टेट वाइज नहीं होता है। ओके, नहीं स्टेट्स नहीं आएगा। जी बताइए। ओके सर, ये कंबाइन हो गया है इसके बाद भी स्टेट वाला? मैं आपको पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको डाउट नहीं होगा। जैसे कि क्या होता है कि आप अगर ओबीसी है, अगर आप ओबीसी से फॉर्म फिल किए हैं, ठीक है, तो आपका जो काउंसलिंग होगा एम्स का एक ही लिस्ट रहता है कि सपोज 1500 सीट्स है, आउट ऑफ दैट 1500 सीट्स इतना सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए है, इतना सीट्स इसके लिए है ओबीसी के लिए, इतना सीट्स एससी के लिए, इतना सीट एसटी के लिए है, दैट्स ऑल। उसमें जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो आपको सीट्स अलॉट होगा। ओके
लेकिन स्टेट में क्या होता है, जैसे कि जो नीट के अंदर पे जो स्टेट काउंसलिंग होता था उसमें क्या होता था कि उसमें दो तरीके के सीट्स होते हैं, एक विद इन द स्टेट वालों के लिए सीट्स होता है, एक आउटसाइड द इसके लिए सीट्स होता है। उसमें क्या होता है कि दे गिव द रिजर्वेशन टू द स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट्स, और बाहर के अगर कोई स्टेट वाले बच्चे अप्लाई करते रहे हैं, सपोज मानकर चले कि हम गुजरात का काउंसलिंग ले रहे हैं, तो गुजरात काउंसलिंग में क्या होगा कि सर्टेन सीट्स दे विल रिजर्व फॉर द गुजरात स्टूडेंट्स, और बाहर वाले बच्चे अगर मानकर चलिए कि वो एससी है या एसटी है या कुछ भी है, वो अगर वहां पर आकर अगर काउंसलिंग करते हैं तो दे विल बी कंसिडर्ड और दे विल बी फाइटिंग द सीट्स अमंग द जनरल कैटेगरी। उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता आउटसाइड स्टूडेंट्स वालों को, लेकिन ऑल ओवर इंडिया जो एम्स का जो काउंसलिंग होता है उसमें आपको रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं। Is it okay, ma'am? Hello? कोई डाउट है इस पे? मैडम हेलो ओके हेलो यस मैम सर वन मोर क्वेश्चन हाँ सर what is the advantage to the students, ये जो तीनों एग्जाम मर्ज हो गए हैं जिपम नीट एंड एम्स, इसमें बच्चों को क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, किस कैटेगरी के बच्चों को एडवांटेज हुआ है, किस कैटेगरी के बच्चों को कुछ डिसएडवांटेज हुआ है? एडवांटेज का मैम ऐसा है कि पहले एम्स जो होता है राहुल सर यस सर जस्ट म्यूट राहुल सर दिस को फिनिश यस सर म्यूट योर माइक फर्स्ट मिस्टर शिवम विल फिनिश दैट टास्क यस सर कंटिन्यू हां एम्स में क्या होता था कि उसका एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है व्हेन कंपेयर्ड टू नीट, उसमें जो है वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो थोड़ा सा ज्यादा उसका जो स्टैंडर्ड जो होता है वो ज्यादा होता है, और उसमें जो है वो आपका जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आता था, तो उसमें क्या होता था कि बच्चे जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक चले गए। ठीक है, तो अभी एक पैटर्न का एग्जामिनेशन अगर हम रख देते हैं तो उसको मेरे को तीन एग्जामिनेशन अलग अलग से देने का जरूरत नहीं है। एम्स का अलग पैटर्न हो गया, नीट का अलग पैटर्न हो गया, चिपमर का थोड़ा बहुत अलग पैटर्न हो गया, तो अब बच्चों का जो है वो फोकस जो है वो एक रहेगा। अगर एक लेवल एक टाइप का क्वेश्चंस रहेगा तो द फोकस ऑफ द स्टूडेंट वो एक हो जाएगा, बाकी इसमें और कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। और उसके बाद क्या होगा कि काउंसलिंग में आसान होगा, काउंसलिंग में आसान इसलिए होगा क्योंकि बहुत बच्चे क्या होता है कि नीट में भी स्कोर करते हैं टॉप रैंक और एम्स में भी टॉप रैंक ये कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर अगर एम्स में बच्चे का निकल जाता है तो फिर वो छोड़ देते हैं नीट वाला, तो फिर वो वैसे वैसे करके ये प्रॉब्लम्स आता था। तो इसलिए अब क्या है कि अब एक साथ में काउंसलिंग होगा तो एक ही जगह पे रहेगा, जो काउंसलिंग होता है वो सिस्टमैटिक तरीके से होगा, उनको बार बार जो है वो दूसरे दूसरे जगह पे काउंसलिंग नहीं करना होगा, क्योंकि मानकर चलिए कि भाई मेरा एम्स मेरा सपोज हम ऑल इंडिया का काउंसलिंग कर रहे हैं और एम्स का काउंसलिंग जो है वो किसी कारण से जो रुक गया है, मेरा रैंक जो है वो टॉप रैंकर्स है, हमको पता है कि हमको एम्स में मिल सकता है, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो दुविधा में रहेंगे कि मेरे को लग रहा है कि भाई हमको एम्स भी नहीं मिले, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको सीट जो है वो आपको लॉक करना होता है कि आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आप सीट नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये सब जो बहुत सारे चैलेंजेस है उससे बच्चे जो है वो बच जाएंगे। तो कुछ सर जो टॉपर्स बच्चे हैं जैसे बिल्कुल उनको कोई फर्क इफेक्ट तो नहीं आएगा? नहीं, उनको कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उनके लिए रादर ये ज्यादा बढ़िया हो गया है कि उनको जो अब जो डाउट ऑफ माइंड होता था वो अब नहीं रहेगा, कि उनको होता था कि भाई हम एम्स के लिए रुके या फिर यहाँ पर सीट कंफर्म कर दे, तो वो सब जो प्रॉब्लम होता था वो हट जाएगा, वो इरेडिकेट हो जाएगा अब। ओके ओके थैंक यू सर। सो इसके अलावा किसी और को कोई क्वेश्चन? एक चैट पे मेरे को किसी ने पूछा जस्ट अभी जिपमर के बारे में, एम्स है या जिपमर है या अभी नीट है, सब कॉमन हो चुका है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी के लिए एक ही कॉमन एग्जाम हो चुका है जो पहले अलग अलग हुआ करती थी। जो नीट एनएमसी जो क्लियर हुआ है, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, उसके बारे में हम लोग आगे उसके विस्तृत में चर्चा करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज भी। तो वो एनएमसी की वजह से अभी जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो कॉमन हो चुका है, जिपमर एम्स या अपना ऑल इंडिया कोटा है जो भी है यूनिवर्सिटी, सबका एक कॉमन प्रोसेस होता है,
एक ही एग्जाम को वैलिड किया जाएगा वहां पे नीट को। सो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जैसे 15 लाख के ऊपर 16 लाख जितने बच्चे हैं, 80,000 सीट्स है, 42,000 सीट्स है गवर्नमेंट से, वहां पे तो चलो बहुत बढ़िया है कि वहां पे कम फीस में एडमिशन मिल रहा है आपको। लेकिन जो बाकी की यूनिवर्सिटीज है जहां पे फीस बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे हर एक का पेइंग कैपेसिटी उतना हाई नहीं है कि उतना रुपया पे कर पाएगा। मैं अगर गलत नहीं हूँ शिवम जी, तो 11-12 लाख से शुरू होकर 30 लाख तक जाता है फीस शायद। लगभग 5-6 तक लोवेस्ट होता है, 6 लाख से जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस का स्टार्ट होता है, वहां से लेकर अप्रोक्सीमेटली जो स्टेट काउंसिलिंग के अंदर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 18-19 लाख पर ईयर। अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करेंगे तो मैनेजमेंट कोटा का अगर देखें तो सर अप्रोक्सीमेटली आपको एनआरआई कोटा पे जाना होता है। मैनेजमेंट कोटा बोल के सिस्टम नहीं है, एनआरआई कोटा होता है, तो एनआरआई कोटा पे जाना होता है। एनआरआई का अप्रोक्सीमेटली 15 लाख से स्टार्ट होकर अप्रोक्सीमेटली कर्नाटका वगैरह में जाते हैं तो 40 लाख पर ईयर भी फीस होता है। सो दैट मींस 40 लाख मींस 2 करोड़ के आसपास तो पूरा खर्च बैठ जाएगा। हाँ, जैसे रामाचंद्र वगैरह, जैसे अभी वो सब क्या हुआ है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी पे कन्वर्ट हो चुका है, डीवाई पाटिल हो गया या रामाचंद्र हो गया, इसका फीस अप्रोक्सीमेटली 25 लाख पर ईयर है। रामाचंद्र 23 लाख, डीवाई पाटिल 25 लाख पर ईयर। इसके अलावा आपका हॉस्टल का अप्रोक्सीमेटली इनका 2-3 लाख रुपए पर ईयर जो है वो फीस आता है। फूड कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली 1.25 या 1.5 करोड़। ये हायर साइड पे हो गया, लेकिन अगर लोअर साइड पे लेते हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली 50 लाख जो है वो उतना तक आएगा ही। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि रैंक वाइज जो है वो अलॉटमेंट होता है, जो सबसे कम फीस का होता है, सपोज कर्नाटका हो गया या इधर में फीस होता है 8 लाख पर ईयर। तो 8 लाख पर ईयर के लिए जो है वो आपको गवर्नमेंट का कट ऑफ अगर 560 जा रहा है तो प्राइवेट का सबसे पहले कर्नाटका फिल होता है। तो कर्नाटका का जो है अप्रोक्सीमेटली 530 तक जो है वो क्लोज हो जाता है। क्योंकि 560 के बाद जो भी बच्चे बचते हैं उनका फर्स्ट प्रेफरेंस कर्नाटका होता है, क्योंकि कर्नाटका में एजुकेशन क्वालिटी जो है बेस्ट और फीस जो है वो 8 लाख पर ईयर है। तो 8 × 5 = 40 लाख प्लस आपका हॉस्टल वगैरह जो भी है, तो वो कंपैरेटिवली जो है वो फिजिबल है। लेकिन उसके लिए आपको रैंक अच्छा लाना होगा, मार्क्स अच्छा लाना होगा। ओके, सो मींस मोर देन 550 मार्क्स होगा तभी जाके उनका चांस लगेगा कर्नाटक के अंदर भी। हाँ, नहीं तो फिर आपको वही फीस ज्यादा लगेगा। अगर आपका कॉलेजेस तो मिल जाएगा लेकिन फीस बहुत ज्यादा होगा। ओके, थैंक यू सर। सो अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन मेरे को ऐसा आ रहा है कि फिजिक्स अगर वीक है तो दूसरे दो सब्जेक्ट में फोकस करके मार्क्स वहां पे बढ़ा लिए जा सकते हैं। सी, वो डिपेंड है आपके ऊपर। फिजिक्स को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, फिजिक्स भी काम का सब्जेक्ट ही है। अगर आपको फिजिक्स क्लियर नहीं होगा तो मेडिसिन पढ़ने में भी आपको दिक्कत आनी है। फिजिक्स को आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, सभी सब्जेक्ट के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है। लेकिन जिस सब्जेक्ट के अंदर आपका ज्यादा फोकस है, जिसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा है, जहां पे आपका ग्रिप अच्छा है, उसको ज्यादा फोकस कीजिए। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं करना है, उसको भी तैयार तो करना ही पड़ेगा। अभी हम लोग बात करेंगे, अगर MBBS इन इंडिया आप नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे क्या क्या ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। सी, अगर MBBS नहीं होता है तो इंडिया के अंदर बच्चे क्या करते हैं, पहले ये सीन था 2 साल पहले कि BDS के अंदर एडमिशन ले लिया जाता था। अभी BDS को ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, इंस्टेड ऑफ द BDS लोग आयुर्वेदा और होम्योपैथिक को प्रेफर करते हैं और उसके बाद जरूरत पड़ती है तो BDS लेते हैं। डॉक्टर बनना होता है जिसका ड्रीम होता है उसके पास। एंड फोर्थ कैटेगरी पे जो आता है अब्रोड के लिए आता है। अब्रोड की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके लिए पूरा 1-1.5 घंटे का सेशन हो जाएगा, तो वो आज पॉसिबल नहीं है कि डिस्कस कर पाएंगे। हम लोग नेक्स्ट वेबिनार के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, अलग अलग कंट्री का एजुकेशन सिनेरियो आपको समझाएंगे। मीन्स हर एक कंट्री के लिए एटलीस्ट मेरे को वहां पे आधे से एक घंटा जरूरत पड़ेगा, तो जाके आपको प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन हम लोग दे पाएंगे। इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द MBBS, आप पीजी भी करना चाहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने MBBS कंप्लीट कर लिया है, उसको US में जाके पीजी करना है, तो उसका भी प्रॉपर सेशन हम लोग करेंगे, उसका भी एक नॉलेज दिया जाएगा आपको, जो कि आपको फ्यूचर के लिए बहुत काम लगेगा। अभी जो बात है, जो क्वेश्चन है, आई थिंक ये डॉक्टर गोपीनाथ जो हमारे साथ है अभी यहाँ पे, डॉक्टर गोपीनाथ आर यू देयर? डॉक्टर साहब, हेलो सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। गोपीनाथ सर,
Hoping your net is not proper, your voice is not clear. Gopinath sir. Gopinath sir, थोड़ा voice आपका disturb वाला आ रहा है अभी. नहीं सर नहीं, आपका आवाज इको ज्यादा है आवाज के अंदर. राहुल सर गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. सर मेरी आवाज आ रही है सर, लेकिन थोड़ा इको आ रहा है. थोड़ा प्रॉपर लोकेशन पे जाके आप बात कीजिएगा तो इजी हो जाएगा, बच्चों का आवाज प्रॉपर आएगी. राहुल सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो गोपीनाथ सर. सर मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है सर, लेकिन इको आ रहा है. आ तो रही है आवाज आपकी. हेलो गोपीनाथ सर. गोपीनाथ सर आप वहां पे क्या? सो कोई इशू नहीं, अभी हम लोग बात करेंगे एमबीबीएस अब्रॉड क्यों इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर. जैसे कि हमने सीट का जो सिनारियो बोला, सीटें इंडिया में बहुत कम है और बच्चों का ड्रीम बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ पे. श्योर सर, नीट टाइम मैनेजमेंट वी विल प्रोवाइड, डोंट वरी डोंट वरी. सो एमबीबीएस अब्रॉड इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस होने का जो रीजन था, यहाँ पे सीट का सिनारियो कम था और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर फीस बहुत ज्यादा थी, जैसे मिस्टर शिवम ने बताया अभी आपको. तो उसकी वजह से लो बजट वाली यूनिवर्सिटी के जो ऑप्शन अब्रॉड में अवेलेबल थे, तो वहां से बच्चों का रुख शुरू हो गया अब्रॉड की साइड पे. सबसे पहले बच्चे जो जाने शुरू हो गए वो रशिया में शुरू हुए. रशिया के बाद बच्चे शुरू हुए चाइना के अंदर, यूक्रेन के अंदर, बेलारूस के अंदर, कजाकिस्तान के अंदर, आर्मेनिया के अंदर, जॉर्जिया के अंदर, देन किर्गिस्तान, देन फिलीपींस, देन अजरबैजान, देन मॉरिशियस, इजिप्ट. सो मेनी कंट्री ऑप्शन. यस डॉक्टर सर, आपका आवाज नहीं आ रहा सर. राहुल सर. नो सर नो सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर. इको बहुत आ रहा है आपका. डोंट वरी डोंट वरी सर, वी विल रिकनेक्ट यू. आप एक काम कीजिए सर, डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर दीजिए. अच्छा, अभी भी ऐसा ही है. इको आ रहा है सर, इको आ रहा है. आप बोल रहे हो फिर आप पीछे इको लग रहा है. ठीक फाइन. सो जैसे हमने बताया कि अब्रॉड के अंदर हर एक यूनिवर्सिटी में सब बच्चे जा रहे हैं तो रिटर्न भी उतने आ रहे हैं. हम लोग को मालूम है कि 20% या 25% रेशियो है एफएमजीई का. एफएमजीई क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी वाइज, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का 50% भी है, 40% भी है, कुछ यूनिवर्सिटी का 5% भी है. तो यहाँ पे जो है बच्चे आते हैं, डॉक्टर तैयार कर, डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करके आते हैं, इंडिया आने के बाद एफएमजीई क्वालिफाइड कर रहे हैं और उसके बाद जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे ऑल आर सिमिलर टू द इंडियन डॉक्टर. रीजन क्या है कि एफएमजीई की एग्जाम बच्चा क्वालिफाइड कर रहा है. FMGE क्या है? फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो कि इंडियन गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है. तो इंडियन गवर्नमेंट जो कंडक्ट कर रही है वो बच्चों को टेस्ट करके फिर उनको अलाउ कर रही है कि आप इंडिया के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो. तो वो टेस्टिंग एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद दे आर इक्वल टू द इंडियन डॉक्टर ऑनली. सो इंडिया के अंदर इंडियन बच्चे जितने डॉक्टरों के बाहर निकल रहे हैं उसका 20% पार्ट हर साल जो है फॉरेन ग्रेजुएट भी यहाँ पे अपना योगदान दे रहे हैं. अभी हम लोग जो बात करेंगे एमसीआई वर्सेस एनएमसी. यस, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो था पुराना चैप्टर हो चुका है, अभी फरवरी 2020 से वो कन्वर्ट हो चुका है नेशनल मेडिकल काउंसिल के अंदर. नेशनल मेडिकल काउंसिल के अंदर 2020 में काफी सारे नए बदलाव आए हैं. नए बदलाव की अगर हम लोग बात करेंगे, एडमिशन प्रोसेस में भी बदलाव है. अगर मैं आपको बताता हूँ एडमिशन के बारे में, तो जैसे शिवम जी ने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फॉर एग्जाम्पल 100 सीट्स है
तो 100 सीट्स के अंदर से जो AIQ है ऑल इंडिया कोटा है 50% निकल गया, उसके बाद जो 85% सीट रहेगा उसका 50% जो है NMC के रूल के हिसाब से गवर्नमेंट फिलअप करेगी, और जो प्राइवेट मेडिकल की बात है गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट फिलअप हो जाएगा स्टेट कोटा से, लेकिन जो 50% है वो गवर्नमेंट की फीस के हिसाब से वहां पे फिलअप किया जाएगा और 50% सीट जो है वो यूनिवर्सिटी खुद के हिसाब से करेगी। दूसरा एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं NMC का, वो ये है कि पहले ये चीज थी कि हर साल यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्शन किया जाता था, उसके बाद उसका रिन्यूअल होता था लाइसेंस का। NMC की मौजूदगी वजह से वो एक चीज चेंज हो चुकी है कि अभी से कोई भी यूनिवर्सिटी का रिन्यूअल के लिए इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा, जो कि NMC के रूल के हिसाब से नया रूल है। ओके, उसके अलावा जो नेक्स्ट एग्जाम है इंस्टेड ऑफ द FMG वो नया इम्प्लीमेंटेशन NMC ने ही लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर जो पहले फॉरेन बच्चे ही एग्जाम देते थे उसकी जगह पे अब इंडियन बच्चों को भी एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या हो गया, एंट्री गेट अब्रॉड का और एग्जिट गेट अब्रॉड का दोनों कॉमन हो गया, इंडिया का और अब्रॉड का दोनों का, क्योंकि नीट क्वालिफाइड दोनों जगह पे कंपलसरी है और नीट जो नेक्स्ट की एग्जाम है वो क्वालिफाइड करना इंडियन लोगों के भी रिक्वायर्ड है और अब्रॉड के लिए भी रिक्वायर्ड है। सो नेक्स्ट का मैंने जैसे आपको बता दिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी किया हुआ है हमने, इट्स अ फ्यूचर लाइसेंस एग्जाम, जो कि पहले इंडिया में ये चीज थी ही नहीं, और ये बहुत बड़ा कदम बोल सकते हैं गवर्नमेंट का, और ये बहुत सारा बदलाव भी लेके आएगा, क्योंकि जो इंडिया के अंदर करप्शन लेवल था उसको ये निकालने को ट्राई करेंगे NMC की, ये नीट एग्जिट के एग्जाम की वजह से। अगर मैं डॉक्टर साहब आप लाइन पे है अभी, आवाज आ रही है आपकी? हेलो डॉक्टर गोपीनाथ? नो, दे डिस्कनेक्टेड आई थिंक। सो नीट एग्जिट ये चेंज लेके आएगी कि जो प्राइवेट के अंदर जो फीस जिसका पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 50% सीट गवर्नमेंट ने फिलअप कर ली जो कम फीस से फिलअप हो जाएगी, लेकिन अभी जिसका मेरिट में नंबर नहीं आ रहा है, जिसका फॉर एग्जाम्पल नीट के अंदर 200 मार्क्स है या 250 मार्क्स है, उसको फॉर एग्जाम्पल एडमिशन लेना है मैनेजमेंट कोटा में, उसके पास पैसा ज्यादा है वो पे कर लेंगे NRI के हिसाब से 25 या 40 लाख रुपीज, और वो डॉक्टर रेडी हो जाएगा। अभी क्या लगता है आपको, जो 500 मार्क्स वाला बच्चा जो प्रैक्टिस करेगा, जो इलाज कर पाएगा, वो 200 मार्क्स वाला कर पाएगा? वो थोड़ा वहां पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट जरूरी है, उसके लिए गवर्नमेंट ने नीट एग्जिट एग्जाम इंडियन डॉक्टर के लिए भी इम्प्लीमेंट किया है एज वेल एज अब्रॉड के लिए भी इम्प्लीमेंट किया है, मीन्स दोनों का जो टेस्टिंग पैटर्न है ऑलमोस्ट सिमिलर हो जा रहा है। दूसरा चीज, जो पहले नीट FMG का रिजल्ट डाउन आता था फॉरेन मेडिकल का, तो उसका रीजन था कि वो विदाउट क्वालिफिकेशन वहां पे जा रहे थे, अभी जाने वाले बच्चे जो है वो भी क्वालिफाइड टेस्ट होके जा रहे हैं और रिटर्न आके भी उसका टेस्टिंग हो रहा है, मीन्स ड्यूअल फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है, तो उसकी वजह से अभी क्वालिटी डॉक्टर का जो है यहाँ पे इंडिया में वो फ्लो बढ़ जाने वाला है। सो आज के लिए बस इतना ही है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे ये नंबर यहाँ पे हमने दिया हुआ है, ये हमारा ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है हमने, आप मेल भी कर सकते हो, ये वेबसाइट पे जाके आप विजिट करके वहां पे भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और आपका कोई भी डाउट है, वैसा नहीं कि आपको एडमिशन लेना है तो ही आप कॉल करके पूछ सकते हो, आपको कोई भी डाउट रहेगा आप कभी भी कॉल कर सकते पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही है, आपको कोई भी डाउट हो अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, वन बाय वन आपको जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, शिवम जी भी लाइन पे रहेंगे और प्रशांत सर भी शायद लाइन पे ही अभी, तो हम लोग आंसर दे पाएंगे आपको। I just unmuted all. Anyone have any kind of question? Hello? Hello? Yes? Hello? Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, yes, ma'am. ये जो मैं पूछना चाह रही थी, मेरी डॉटर नीट एग्जाम देगी 2021 में. Hello? One second, ma'am. One second. Yes, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Tell me. Sir, actually, मेरी daughter exam देगी NEET का 2021 में. Okay. तो सर, जो COVID के चक्कर में इस साल बच्चों का इतना loss हो रहा है, अभी हमें कुछ नहीं पता कि उनकी classes शुरू होगी क्या होगा, तो क्या कोई possibility है कि ये NEET का syllabus cut down करेंगे next year? NEET का जो syllabus है वो तो as it is रहेगा, उसमें कोई changes आने के chances नहीं है,
क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज सिलेबस है हर एक के लिए, एनसीईआरटी का सिलेबस जो फॉलो कर रही है गवर्नमेंट, तो उसके अंदर तो कोई चेंज आने के चांसेस नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ उन बच्चों को होगा कि जो बच्चे इस साल एग्जाम दे रहे हैं जिनको यहाँ पे प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सब जानते हैं कि कोटा और शिखर के अंदर हर साल करीबन 4 से 5 लाख बच्चे जाते हैं कोचिंग लेने के लिए, लेकिन ये लॉकडाउन के कंडीशन में वो बच्चों को नेटिव प्लेस पे वापस जाना पड़ा है। अभी वो बच्चों का एडमिशन राजस्थान में बोल रहा है क्योंकि वो वहां पे एलएन में आकाश में लेके एडमिशन लेके बैठे हैं, उनका स्कूलिंग एडमिशन भी वहां पे राजस्थान में ही दिया हुआ है। अभी वो बच्चे रिटर्न आ चुके हैं उनके नेटिव प्लेस पे, मे बी शायद वो लोग साउथ इंडिया से भी हो सकते हैं, मे बी शायद नॉर्थ इंडिया से भी हो सकते हैं, और मे बी शायद सेंट्रल इंडिया से भी हो सकते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट का बच्चा भी हो सकता है, लेकिन वो बच्चे का स्कूल भी राजस्थान में है, बच्चे का नीट का कोचिंग भी राजस्थान में है, तो उसके पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। अभी फिलहाल जो सोर्स है उनके पास वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मीडिया है। तो जो बच्चा सीरियस रहेगा वो तो पढ़ाई करने वाला ही है घर पे। नहीं सर, कोविड कोविड एक मिनट में बोलता हूँ, कोविड की वजह से जो है वो सिर्फ इस साल का बच्चा जो है वो सफर करेगा, उसका एग्जामिनेशन भी डिले होगा, प्लस उसको फर्स्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग मिलेगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि मान कर चलिए कि अभी अगर लेट होता है तो जो अगस्त में क्लासेस स्टार्ट होता था वो हो सकता है कि अक्टूबर या नवंबर में हो, और उनका जो है वो फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन एज इट इज जून या जुलाई पे हो जाए, तो जो सफर होगा वो इस साल का बच्चा होगा, अगले साल जो बच्चे एग्जामिनेशन देंगे उसका कोई रिलेशन नहीं है इस चीज से। ओके, तो सर उनके भी तो अभी 2-3 महीने वेस्ट हो रहे हैं बिल्कुल। हाँ, वो कंसिडर होंगे। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली 15th ऑफ जून तक जो है वो हो जाना चाहिए एग्जामिनेशन। वो काउंसलिंग थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि अभी तक पीजी का काउंसलिंग नहीं हुआ है, तो पहले पीजी का काउंसलिंग होगा उसके बाद फिर इंडिया का यूजी का काउंसलिंग होगा। अच्छा, बाकी नेक्स्ट ईयर जो 2021 वाले होंगे। हाँ जी, उनके सिलेबस वगैरह के लिए पूछ रही हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है कि उनका सिलेबस कुछ कट डाउन हो या कुछ ऐसा, उनका भी टाइम वेस्ट हुआ है? सिलेबस वगैरह कोई कट डाउन नहीं होगा। ओके, सिलेबस कोई भी कट डाउन नहीं होना चाहिए। पैटर्न अगर चेंज करता है तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तो पैटर्न भी नहीं चेंज करना चाहिए इनको, क्योंकि बच्चा उस हिसाब से पढ़ रहा है एक साल से। हाँ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो चेंज हो चुका है, ऑलरेडी चेंज हो चुका है, अब चेंज नहीं होगा बार बार। 21 में तो सेम नहीं चलेगा, 2021 में थोड़ा सा बच्चों को एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि उनका 2-3 महीनों का लॉस हो ही है, क्लासेस नहीं हो रही है कोचिंग की। हेलो, सर मुझे ना काउंसलिंग के बारे में पूछना है। लाइक जैसे बच्चे ने नीट का एग्जाम दे दिया, ठीक है, उसके मार्क्स आ रहे हैं 400 या 450 या 500 जो भी आ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि लाइक हमें कहाँ पर जाना है, क्योंकि आपको पता ही है मेडिकल कॉलेज जगह जगह है, तो ये कैसे आइडिया लगता है? शिवम सर। जी सर, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू यू ओनली। सर इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको जो है वो देखना है कि आप कहाँ कहाँ के लिए एलिजिबल है। आप सपोज कौन सा डोमिसाइल है आपका, कहाँ से किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? हेलो, दिल्ली से। दिल्ली से करते हैं ना, तो देखिए दिल्ली का एक स्टेट काउंसलिंग होता है प्लस आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग, ये दो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मानकर चले कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस पे जाना है, तो गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है। गवर्नमेंट कॉलेज पे जाने के लिए बस दो तरीका है, एक आपका स्टेट काउंसलिंग, और स्टेट काउंसलिंग मतलब आपके स्टेट पे ही मिलेगा आपको। जो स्टेट जो दो कोटा होता है, एक सेंट्रल कोटा होता है। सेंट्रल कोटा में क्या होता है कि किसी भी स्टेट के बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 15% जो सीट्स होता है, 15% ऑल इंडिया कोटा का सीट्स होता है, मतलब कि सपोज कोई कॉलेज है आपका दिल्ली में या कोई कॉलेज है आपका यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज पे 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा को अलॉट होता है, और उस 15% सीट्स पे कहीं के भी बच्चे आ सकते हैं। रिमेनिंग 85% सीट्स जो होता है वो उसी स्टेट के बच्चों के लिए अलॉटेड होता है, सिर्फ उस स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर दिल्ली से हैं तो आपको जो है वो ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग के थ्रू आप अलॉट ये कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। दूसरा जो है वो स्टेट कोटा काउंसलिंग होता है, तो स्टेट कोटा में आपको दिल्ली में 10 कॉलेज है, 10 कॉलेज पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके,
तो सर ये जैसे हमें जाना पड़ेगा, क्या है क्वेश्चन मैम? सर मैं कह रही हूँ कि जैसे दिल्ली में 10 कॉलेज है, तो क्या जब रिजल्ट निकल जाएगा तो मुझे उन 10 कॉलेज में जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो क्या होता है कि काउंसलिंग करवाती है FMS, जो है वो काउंसलिंग करवाती है, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज ये जो है वो काउंसलिंग करवाएगी, ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, उसके लिए अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन होता है। अच्छा ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में क्या होता है, आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ पहले देखना होता है, लास्ट ईयर का हर एक स्टेट वाइज कट ऑफ अलग अलग रहता है, तो उसका लास्ट ईयर का कट ऑफ के लिए भी हम लोग वेबिनार प्लान करेंगे स्टेट वाइज अगर पॉसिबल होगा तो उससे क्या होगा, लास्ट ईयर का आपका कट ऑफ कितना था वो आपको मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर का कट ऑफ 430 मार्क्स था दिल्ली का, फॉर एग्जाम्पल उतना नहीं था, उससे ज्यादा ही था, लेकिन आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और 440 आ रहा है, 430 के ऊपर 440 पे कौन कौन सी कॉलेज में कहाँ पे एडमिशन रुका था वो चेक करके जब चॉइस फिलिंग होता है आपको उस टाइम कॉलेज सिलेक्ट करनी होती है जी, बराबर है। तो लास्ट ईयर की चीज को रेफरेंस में लेके आप इस साल डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा यूनिवर्सिटी आपको मिल सकता है। जी जी, तो ऑलवेज वो रेफरेंस पहले आपको चेक करना पड़ेगा और वो रेफरेंस के बेस पे फिर आगे आप वर्कआउट कर पाओगे। अच्छा सर, आपको ये आइडिया है कि जैसे मुझे मेडिकल कॉलेज ही अपने बच्चे के लिए चाहिए तो कितने आने चाहिए कि उसको मिल जाएगा? आपको गवर्नमेंट में चाहिए तो 500 के ऊपर चाहिए मार्क्स, ऑलमोस्ट 530-540 के ऊपर। 530-540 स्टेट टू स्टेट डिफर करता है और कैटेगरी के बेसिस पे डिफर करता है कि आप कौन सा कैटेगरी है। हम ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ओबीसी और जनरल में बहुत ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस जो होता है ना वो 5 मार्क्स का होता है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। माय गॉड। और अगर सर यूपी स्टेट का हो तो? यूपी में 562 कट ऑफ गया था। 562। और दिल्ली में सर? दिल्ली में ज्यादा जाता है, 580 के आसपास जाता है, जनरल कैटेगरी 580-585 इतना जाता है। ओके थैंक यू सर। ओके मैम। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, हाँ सपोज मैंने मुझे 500 तक का मार्क नहीं मिला तो क्या मैं बीएमएस के लिए एडमिशन ले सकता हूँ? किस कोर्स के लिए? बीएमएस आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए। देखिए बीएमएस आप कर सकते हो, करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी देखिए अभी अगर आगे की जनरेशन क्या हो गई है कि हर बच्चे को अब्रॉड में जाना है, कई बच्चा बैचलर करके फिर अब्रॉड जाता है, कई बच्चा मास्टर करके फिर अब्रॉड जाता है, लेकिन कई बच्चों का ड्रीम हो जाता है कि इन फ्यूचर मुझको अब्रॉड में सेटल होना है। अगर आप पीएमएस कर रहे हो, आपको इंडिया से बाहर नहीं जाना है, तो बीएमएस इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। लेकिन अगर आपका फ्यूचर प्लानिंग ऐसा है कि आपको अब्रॉड में जाना है तो बीएमएस का क्रेडिट काउंट नहीं होता है, ऐसे बैचलर उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो इंस्टेड ऑफ द बीएमएस, बीएमएस इज अ बेटर ऑप्शन इफ यू विल थिंक अबाउट द अब्रॉड एजुकेशन फॉर योर फ्यूचर, या तो फिर फ्यूचर में आप अब्रॉड में सेटल होना चाहते हो। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको फ्यूचर में बाहर नहीं जाना है, इंडिया में ही सेटल होना है, तो बीएमएस कभी भी गलत ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए बीएमएस का जो है वो फ्यूचर स्कोप आपको देखना पड़ेगा। बीएमएस में डिमेरिट ये है कि उसमें मतलब आपका इंटेंसिव गवर्नमेंट जो है ना वो स्पेंड नहीं कर रही है। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बीएमएस और एमबीबीएस में डिफरेंस ये है कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल कम टू अ सैच्योरिटी लेवल, कि मतलब कि थोड़े टाइम के बाद आपको चीर फाड़ या जनरल फिजिशियन का जो काम कर लेते हैं उसके बाद जो है वो आप उसके बाद जो है वो ये नहीं है कि उसका मेडिसिन नहीं है। सपोज मानकर चलिए आपको कैंसर हो जाता है या सपोज कोई अलग टाइप का बीमारी हो जाता है, तो बीएएमएस के पास में उस चीज का इलाज एज ऑफ नाउ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो है वो नहीं स्पेंड करती है इंडिया में, इंडिया या कहीं पे भी स्पेंड नहीं करती है। तो बीएएमएस का स्कोप जो है वो लिमिटेड है, और अगर फ्यूचर पे का अगर देखते हैं तो एक बीएमएस डॉक्टर को ऑन एन एवरेज जो है वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स 20-25,000 मिलता है। हर एक जगह का अलग अलग है, जैसे साउथ वगैरह पे अगर आप काम करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30-35,000 जो है वो मिल जाता है, ठीक है। और क्या है कि बीएमएस में स्कोप ऑफ ग्रोथ जो है वो कम है, क्योंकि यू विल प्रैक्टिसिंग एज अ जनरल फिजिशियन,
जनरल फिजिशियन में क्या है कि आपका बहुत ज्यादा स्कोप ऑफ ग्रोथ नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो उसमें आप कल दिन जाकर जो है सुपर स्पेशलिटी कर सकते हैं या आपका कुछ भी कर सकते हैं, तो उसमें क्या है स्कोप ऑफ ग्रोथ है और उसमें हर एक दिन क्या होता है न्यू काइंड ऑफ मेडिसिन इवॉल्व होते हैं, तो वो सब जो है वो फैक्टर्स होता है डिफरेंस। किसी और को कोई क्वेश्चन? हेलो, किसी और को कोई क्वेश्चन है क्या? अभी हेलो, नो सर, हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। श्रीकांत सर पूछ रहे हैं विच इज द एग्जाम। यस यस मैम, बोलिए बोलिए आप। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे जो डिफरेंट स्टेट कोटा होते हैं तो हमें अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हमें यूपी के स्टेट कोटा के लिए जाना है या हमें राजस्थान के स्टेट कोटा के लिए जाना है। किधर का वो अपने को देखना पड़ेगा ना मैम, पहले अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स देखना पड़ता है। तो जैसे मेरा जैसे आपका सपोज मानकर चलिए कि बहुत सारे स्टेट्स ओपन स्टेट्स होता है, क्लोज उत्तराखंड, उसमें क्या होता है कि रिजर्वेशन अलाउड है, ठीक है, कि उत्तराखंड के लिए जो है वो रिजर्वेशन अलाउड है, ठीक है, मतलब बाहर वालों के, बाहर वाले जैसे सपोज मानकर चलिए हम एक आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप हम गुजरात हो गया या महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे क्या है कि इट इज अ क्लोज स्टेट। क्लोज स्टेट का मतलब ये होता है कि वहां पर अगर प्राइवेट कॉलेजेस भी है या वहां पे अगर कोई सा भी सीट्स है, इट इज रिजर्व्ड ओनली फॉर द स्टेट स्टूडेंट्स जिनका स्टेट डोमिसाइल है, प्लस उसमें कंडीशंस रख देते हैं ये लोग कि आपका जो है वो सीट्स उन्हीं के लिए अवेलेबल है जो यहाँ से 10th 12th किए हैं या इन यहाँ का डोमिसाइल है या समथिंग, कुछ भी क्राइटेरिया रख देते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जो इट इज अवेलेबल फॉर ऑल, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि आपका मतलब पूरा का पूरा सीट्स जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस का वो अवेलेबल है सारे स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ का जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का सीट्स है इट इज नॉट अवेलेबल फॉर आउटसाइड स्टूडेंट्स, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस का सीट्स है इट इज एक्सेसिबल। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है मैम। जैसे कौन से स्टेट का बता रहे सर? ये उत्तर प्रदेश में क्या होता है जैसे कि अगर आप डोमिसाइल है तभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका डोमिसाइल नहीं है तो आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जा सकते हैं। तो ओपन और क्लोज्ड का जो है वो ये रहता है, सिनेरियो रहता है। बहुत सारे स्टेट्स में होता है कि 50% ऑफ द सीट्स जो होता है वो आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए रहता है, 50% सीट्स जो है वो मतलब कि नॉन डोमिसाइल के लिए रहता है। लेकिन सर और स्टेट्स में तो ऐसा होता होगा ना कि और स्टेट्स के गवर्नमेंट कॉलेज में दूसरे स्टेट का बच्चा जा सकता है? नहीं, दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज पे आप नहीं जा सकते हैं, दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस पे नहीं जा सकते हैं, दूसरे स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस पे आप जा सकते हैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा था जो दिल्ली के 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम बता सकते हैं आप? सर नाम तो आपका इस पे अवेलेबल है, एमसीआई के वेबसाइट पे कॉलेजेस के लिए वेबसाइट अवेलेबल है। वो वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, वो इजी हो जाएगा आपके लिए भी। जी राम मनोहर, यहाँ पे जाके आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। हाँ सर, भी हम लोग आपको शेयर कर देंगे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाना है आपको, और वहां पे फॉर द स्टूडेंट टू स्टडी इन इंडिया यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इंडिया की यूनिवर्सिटी का आपको पूरा लिस्ट आएगा, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस ट्रैकिंग एमबीबीएस, टीचिंग एमबीबीएस वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इंडिया की हर एक यूनिवर्सिटी का लिस्ट मिल जाएगा। ये पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है इंडियन फिल्टर, फिल्टर करने का ऑप्शन आता है, फिल्टर जो है वो कर लीजिए, इसमें से नहीं आएगा, यहाँ पे कर्नाटक करेंगे आप नहीं, कॉलेजेस एंड कोर्सेज का जो है वहाँ पे ऑप्शन पे जाइए, वहाँ से आपको आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे स्टेट भी टाइप करेंगे सर्च में तो भी उनको मिल जाएगा ना? नहीं, इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाइए, कॉलेजेस एंड फर्स्ट ऑप्शन कॉलेजेस एंड कोर्स सर्च, ओके ओके, सबसे ऊपर पे सर, उस वहीं पे इन्फॉर्मेशन डेस्क पे बैक ऊपर जाइए, इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाइए फर्स्ट ऑप्शन, ओके ओके ओके। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा बेटा सर दिल्ली पढ़ रहा है, दिल्ली 10वीं 12वीं पास कर लिया, ठीक है सर, और सर मैं रहने वाला यूपी का हूँ सर,
तो यूपी का मैंने अपना डोमिसाइल बनवा रखा उसको बच्चे का अपने, और दिल्ली का उसका ओबीसी का है, और ऑल इंडिया सर यूपी का है ओबीसी का, और डोमिसाइल भी है। तो बेहतर कौन सा रहेगा मेरे लिए? यूपी का करिएगा, दिल्ली में जो है कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। अच्छा यूपी का, तो यूपी सर ऑल इंडिया बेसिस पे लूं या यूपी स्टेट लेवल पे लूं? दोनों में सर्टिफिकेट है यूपी स्टेट लेवल का। स्टेट लेवल का ऑल इंडिया तो कॉमन होता है, उसके लिए आपको अलग से कुछ थोड़ी करना होता है। ऑल इंडिया में आप सारे स्टेट के लिए एलिजिबल। मुझे उसके लिए सर कोई फॉर्म भरना पड़ेगा अलग से सर, या जो मैंने नीट का फॉर्म भरा वही चलेगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन होता है रिजल्ट निकलने के बाद, जो है वो 5 से 10 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट होता है। तो रजिस्ट्रेशन मुझे कहाँ कराना होगा सर? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। तो ऑनलाइन कहाँ पे? कोई वेबसाइट? वेबसाइट हर एक स्टेट का अलग वेबसाइट। हाँ, ऑल इंडिया अगर करना है तो एमसीसी पे होगा, और स्टेट कोटा का जो होता है वो अलग अलग वेबसाइट होता है स्टेट काउंसिल। सर यूपी का कहाँ का होगा? यूपी वेबसाइट, यूपी का जो होता है यूपी नीट होता है, यूपी नीट वेबसाइट। ये जो नीट का हमने फॉर्म भरा, इसका रिजल्ट आने के बाद? हाँ, रिजल्ट आने के बाद कर सकते हैं आप। ठीक है। अभी श्रीकांत का एक अभी क्वेश्चन था, मिस्टर श्रीकांत पूछ रहे थे अब्रॉड से आने के बाद एमसीआई का एग्जाम जो है वो अब्रॉड वालों को देना पड़ता है। अभी श्रीकांत जी 2022 से रूल ऐसा है कि बच्चा अब्रॉड में जाएगा कि इंडिया में पढ़ाई करेगा, गवर्नमेंट में पढ़ाई करेगा कि यहाँ पे प्राइवेट पे करेगा, कहीं भी पे करेगा, हर एक को पहला नीट एग्जिट वन देना है। नीट एग्जिट वन देने के बाद इंटर्नशिप करना पड़ेगा, इंटर्नशिप के बाद प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, और वो प्रैक्टिकल एग्जाम करने जो है उसका नाम है नीट एग्जिट टू। वो नीट एग्जिट टू क्लियर करने के बाद ही उसको पीजी में एडमिशन मिलेगा। 3 सिनेरियो काम करेंगे वहां पे। अगर बच्चा वो क्वालिफाइड कर लेता है तो उसको पीजी में एडमिशन मिलेगा, क्वालिफाइड नहीं करता है तो एमबीबीएस का लाइसेंस तो उसको मिल ही रहा है वहां पे, और अगर फेल होता है तो उसको फिर से वो एग्जाम देना है। नीट एग्जिट का जो अभी जो नया रेगुलेशन रूल्स आया हुआ है उसके हिसाब से 2 पार्ट में लिया जाएगा नीट एग्जिट। जो पहले क्या था, एफएमजी का एक एग्जाम देना पड़ता था फॉरेन वाले बच्चे को, उसके बाद इंडिया रिटर्न आके उसको इंटर्नशिप करना, इंडिया रिटर्न आके एफएमजी देता था, फिर इंटर्नशिप करता था, और इंटर्नशिप करने के बाद नीट पीजी का प्रिपरेशन करता था वो, जो कि अभी हर एक के लिए कॉमन हो चुका है, इंडिया के अंदर हो कि अब्रॉड के अंदर हो। इज इट ओके श्रीकांत जी? हेलो डॉक्टर गोपीनाथ, डॉक्टर साहब, हेलो, किसी और को कोई क्वेश्चन है क्या अभी? हेलो, हेलो, किसी और को कोई क्वेश्चन है? गोपीनाथ सर आपका वॉइस का इशू चल रहा है सर। सर नेक्स्ट मीटिंग कब होगी आप लोगों से? क्या बोल रहे सर? सर नेक्स्ट मीटिंग आप लोगों से बात करना चाहे इस तरह सर कब दोबारा होगा? आप बोलिए बोलिए सर। मैं कहा सर नेक्स्ट मीटिंग आप लोग कब करेंगे इस तरह? सर हर रोज का वेबिनार रहेगा हमारी softamo.org की जो वेबसाइट दी गई है, आप वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करके रखिए, आपको मैसेज रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे। थैंक यू सर। हर रोज का एक वेबिनार रहेगा, अलग अलग टॉपिक के बारे में रहेगा कि इन्फॉर्मेशन आप अभी देखिए सर, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ही एक मेन चीज है जिससे आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। और सर नॉलेज तो आपने मेरा बहुत बढ़ा दिया सर, आपसे बात करके सर इतनी जानकारी हो गई कि सर अगर अब हमें लगता है कि हमारा बेटा नीट निकाल लिया हो जाएगा, आपसे बात करके हमें लगा। अरे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। नहीं सर आप इतनी बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन देते हैं, इतना कोई नहीं दे सकता। थैंक यू इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके थैंक यू सर। तो आज आई थिंक अपना ये वेबिनार हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। किसी और को कोई भी डाउट हो तो हमारे जो नंबर दिए गए हैं ये नंबर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कभी भी, दोनों नंबर हमारे अवेलेबल रहते हैं 24 आवर्स, आप कभी भी मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई कर देंगे। मे भी शायद सपोज कभी बिजी रहेंगे तो एक आध घंटे के बाद भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। जी जी, नंबर एक बार आप चाहे तो नंबर आप एक बार मुझसे बोल भी सकते हैं।
सर 7227048 और 7227 जी 04 times 48 एंड दूसरा नंबर है 73032 2882 थैंक यू वेरी मच सर ओके सर थैंक यू थैंक्स अ लॉट सर ओके ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक हमारे ये वेबिनार अभी हर रोज के चलते रहेंगे और दूसरा ये वेबिनार का आपको वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर सॉफ्टामो की हमारी यूट्यूब चैनल है यूट्यूब चैनल पे जाके सिर्फ सॉफ्टामो सर्च कीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप तो उससे क्या होगा नया कोई भी वीडियो आया जाएगा अगर कोई वेबिनार आप मिस कर रहे हो तो वेबिनार का रिकॉर्डेड वर्जन आपको वहां पे सीधा अवेलेबल हो जाएगा ओके थैंक यू दीपक भाई थैंक यू ऑल ऑफ यू किसी और को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो अभी भी आई थिंक ऑल आर क्लियर ओके थैंक यू एवरीवन प्रशांत सर थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गोपीनाथ थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू मैम शिवम जी थैंक यू Okay, have a nice day, bye-bye. Okay, bye. Okay, sir, thank you. Hello.